सो या व्हाट्सअप एवरीबडी, दिस इज पीयूष एंड वेलकम टू द चैनल ऑल स्कायरो। तो भाई आज की इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें बताने वाला हूँ बहुत खतरनाक खुफिया सेंसिटिविटी सेटिंग्स के बारे में। भाई सेंसिटिविटी सेटिंग्स के बारे में तो बताऊँगा ही बताऊँगा, पर उसके साथ साथ मैं आज तुम्हें इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो कि भाई लिटरली तुम फर्स्ट टाइम सुन रहे होगे। मतलब ये मैं आज तुम्हें इस वीडियो में इतना सारा नॉलेज देने वाला हूँ ना प्रो प्लेयर बनने से रिलेटेड कि भाई तुम्हें वीडियो देख के लिटरली मज़ा आ जाएगा, तुम्हें बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि भाई तुम्हारा टाइम वेस्ट हुआ है। मैं तुम्हें आज एक से एक बात बताने वाला हूँ। सो और एक बात और बता देता हूँ कि मैं वीडियो के लास्ट में भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात बताऊँगा, तो वीडियो के एंड तक तो ज़रूर देखना। तो चलो हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट एनी टाइम पास। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मुझे एक बात बोलना है जो कि भाई सारे यूट्यूबर्स बोलते हैं, तो भाई जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आना ही पड़ेगा तुम्हें। मैं रुका हुआ हूँ, जल्दी से करके आओ। 3, 2, 1.50। तो मैं होप करता हूँ कि तुमने सब्सक्राइब कर दिया होगा, तो सब्सक्राइब कर दिया तो चलो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी टाइम पास। तो भाई मैं स्टार्ट करता हूँ सेंसिटिविटी से, और भाई मैं पहले बता देता हूँ अगर तुम्हें वन टाइप हेडशॉट लगातार मारना है ना तो भाई सेंसिटिविटी सेटिंग भाई देख लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो चलो हम लोग चलते हैं सेंसिटिविटी में। तो देखो भाई आज की इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें जनरल रेड डॉट 2x स्कोप 4x स्कोप स्नाइपर स्कोप और फ्री लॉक ये चारों के बारे में लाइन बाई लाइन से बताने वाला हूँ। तो देखो भाई फ्री लॉक से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो भाई तुम अपना फ्री लॉक को जाकर इनेबल कर लेना जाके कंट्रोल से। तो देखो भाई फ्री लॉक क्या होता है मैं पहले तुम्हें बता देता हूँ, क्योंकि भाई मुझे पता है कि तुम में से बहुत सभी को तो पता ही नहीं होगा कि भाई फ्री लॉक किस चिड़िया का नाम है। तो भाई मैं बताता हूँ फ्री लॉक होता है क्या है। चलो हम लोग चलते हैं पहले ट्रेनिंग ग्राउंड में। तो देखो भाई जब तुम दौड़ते होगे, जब भी तुम स्प्रिंट लेते होगे, तब भाई तुम्हें ये आँख वाला एक बटन दिखता होगा, तो भाई यही होता है फ्री लॉक। तो देखो भाई फ्री लॉक से होता है क्या ना, जब तुम दौड़ोगे ना तो भाई जब भी तुम इसे होल्ड करके इधर उधर घुमाओगे ना तब ये तुम्हें पीछे देखने में मदद करता है। मतलब भाई होता है क्या ना, जब तुम VR या कोई भी मोड खेलते रहते हो तो भाई जब तुम दौड़ते हो तो भाई तुम पीछे देख नहीं पाते, तुम्हें अपना डिस्प्ले को रोटेट करना पड़ता है। पर भाई फ्री लॉक से होता है क्या है कि भाई तुम इसका इस्तेमाल करके आराम से रोटेट कर सकते हो अपने स्क्रीन को। तो भाई अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई तुम्हें फ्री लॉक की सेंसिटिविटी आखिर रखनी तो रखनी कितनी है। तो भाई मैं बताता हूँ तुम्हें फ्री लॉक की सेंसिटिविटी लगभग 150 से लेके 200 के आसपास रखना है, जो कि भाई सही रहता है, क्योंकि भाई जितना बढ़िया तरीके से सेंसिटिविटी रहेगा उतना बढ़िया तरीके से स्क्रॉल होता है। तो भाई चलो हम लोग चलते हैं स्नाइपर स्कोप की सेंसिटिविटी पर। तो देखो भाई स्नाइपर स्कोप क्या होता है पहले मैं बता देता हूँ, जैसा कि भाई तुम स्क्रीन पर देख सकते हो कि भाई जब भी तुम कोई भी स्नाइपर लेते हो, जैसे AWM हो गया, M28B या कोई भी स्नाइपर भाई तुम जब भी लेते हो, तो भाई तुम्हारा स्नाइपर स्कोप की सेंसिटिविटी काम आती है। वो भी भाई तब आती है जब तुम्हारा स्कोप ओपन होगा। तो भाई मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें अपने स्नाइपर की सेंसिटिविटी कितनी रखनी है। तो भाई तुम्हें स्नाइपर की सेंसिटिविटी ज़्यादा नहीं रखनी है, कोशिश करना कि भाई तुम कम ही रखो, 50 to 100 बहुत है। मैं तो भाई कई बार 0 भी रखता हूँ, क्योंकि भाई देखो स्नाइपर से तुम तो वन टाइम हेडशॉट मारोगे नहीं, क्योंकि भाई जब भी तुम स्कोप खोलोगे तो भाई ऑब्वियसली तुम स्नाइपिंग ही करोगे, तो भाई तुम्हें चाहिए होगा लेस सेंसिटिविटी। तो इसलिए भाई इसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा मत रखना। तो भाई अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि भाई 4x स्कोप की सेंसिटिविटी कब काम आती है। तो देखो भाई जब भी तुम गन यूज़ करते हो ना, जैसे कि Woodpecker हो गया, AC-80 हो गया या फिर भाई SKS हो गया, तो भाई ये सब गन की जब तुम स्कोप खोलते हो, नॉर्मली नहीं, अगर तुम नॉर्मली वन टैप खेल रहे हो या फिर ऐसे विदाउट स्कोप के खेल रहे हो तब भाई किसी काम का नहीं है, तब तुम्हारे जनरल काम आएगा। पर अगर तुम स्कोप खोल कर खेल रहे हो, मतलब स्कोप पे दबा कर, तब भाई तुम्हारा 4x स्कोप गेम में आता है। तो भाई तुम्हें इसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा नहीं रखनी है, तुम्हें भी इसकी सेंसिटिविटी लगभग 50 to 100 के अराउंड रखनी है, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। तो भाई अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि भाई 2x स्कोप की सेंसिटिविटी कब काम आती है। तो भाई जब भी तुम UMP MP5 जैसे गन्स की भाई स्कोप खोलते हो ना, तब भाई उसमें 2x स्कोप ही रहता है, वो भी CS में। भाई अगर तुम ऐसे BR खेलोगे तब तो भाई तुम्हें स्कोप ऊपर से डालना पड़ता है, जैसे कि तुम्हें पता ही होगा। तो भाई तुम्हें इसकी भी सेंसिटिविटी 50 to 100 के आसपास ही रखना है, क्योंकि भाई स्कोप जब तुम खोलते हो ना तो तुम्हें सेंसिटिविटी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो भाई अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि रेड डॉट क्या होता है। तो भाई मुझे पता है कि तुम में से बहुत सभी को लगता होगा कि भाई रेड डॉट जब तुम नॉर्मली खेलते हो डेजर्ट ईगल या फिर कोई भी गन से जो तुम्हें एम मिलता है तुम उसी को रेड डॉट समझते होगे, पर भाई वो रेड डॉट नहीं होता है। रेड डॉट मैं बताता हूँ क्या होता है, रेड डॉट भी भाई स्कोप ही होता है। जब तुम खेलते होगे BR तो भाई तुम्हें कोई गन मिलता होगा जैसे M4A1 या फिर कोई भी, तब भाई तुम्हें उसमें स्कोप लगा कर नहीं मिलता होगा। तो भाई जब तुम स्कोप वाले बटन में दबाते हो तो भाई तुम्हें कुछ इस टाइप का स्कोप देखने को मिलता होगा, तो भाई यही होता है रेड डॉट वाला स्कोप। तो भाई मैं तुम्हें बता देता हूँ कि तुम्हें इसकी भी सेंसिटिविटी कितनी रखनी है। तो भाई तुम्हें रेड डॉट की भी सेंसिटिविटी 50 to 100 के आसपास ही रखनी है, क्योंकि भाई देखो मैं बताता हूँ, जब भी तुम भाई स्कोप खोलते हो, तुम स्कोप क्यों खोलते हो, या तो भाई तुम्हारा एनिमी तुम्हारे दूर रहता है, तो भाई जब भी तुम्हारा एनिमी दूर रहेगा तब तो भाई तुम एकदम मस्त ड्रैग वड़ैग तो करोगे नहीं स्कोप खोलकर, तुम जब भी मारोगे स्कोप खोलोगे तुम ऑब्वियसली भाई नॉर्मली ही मारोगे। तो भाई इसलिए तुम्हें ज़्यादा सेंसिटिविटी नहीं रखनी है, तुम्हें सभी की सेंसिटिविटी स्कोप की लगभग बराबरी रखनी है, 50 to 100 के आसपास।
तो भाई अब फाइनली मैं तुम्हें बताने वाला हूँ सेंसिटिविटी सेटिंग्स का सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग, जो कि होता है भाई जनरल। भाई मैंने इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कहा क्योंकि भाई किसी भी प्लेयर का गेम प्ले ना भाई जनरल पर ही डिपेंड करता है, क्योंकि भाई जनरल ही इस गेम में भाई सब कुछ है। जो तुम वन टैप मारते हो, रोटेशन मारते हो, ड्रैग मारते हो, तुम्हारा मूवमेंट होता है, ग्लू वॉल्स, कुछ भी भाई, तो भाई हर ए टू जेड चीज़ जो भी मूवमेंट से रिलेटेड या फिर वन टैप से रिलेटेड है भाई सब जनरल पर ही डिपेंड करता है। तो भाई मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें जनरल कितना रखना है। तो भाई अगर तुम्हारे पास बहुत बढ़िया डिवाइस नहीं है, मतलब भाई तुम्हारे पास 2GB, 4GB, 6GB वाला मोबाइल है जो कि भाई थोड़ा लैग भी करता है, सही से चलता नहीं है, तब भाई तुम्हें ना सेंसिटिविटी का जनरल है उसे भाई एकदम फुल रखना है। मतलब 190 कुछ नहीं, तुम्हें एकदम 200 मैक्स पर रखना है। अगर तुम्हारा डिवाइस बढ़िया नहीं है, लैगी है भाई, तब तुम्हें तो 200 रखना ही पड़ेगा। पर भाई अगर तुम्हारा डिवाइस बहुत बढ़िया है, तुम एकदम वन प्लस यूज़ करते हो, पोको इस्तेमाल करते हो, आईफोन इस्तेमाल करते हो, तो भाई तुम्हें सेंसिटिविटी को 30-40 घटा कर रखना है, लगभग भाई 160-170 के आसपास रखना है। और भाई मैं तुम्हें एक बात और बता देता हूँ जनरल से रिलेटेड। तो भाई अगर तुम्हारे साथ ऐसा होता है कि तुम एनिमी को हेडशॉट मारने गए और तुम्हारी जो गोली है वो एनिमी के हेड के ऊपर चली गई, मतलब भाई तुम्हारी गोली हवा में चली गई या फिर एनिमी के हेड के ऊपर रह गई, तब भाई तुम्हें ना अपना जो जनरल है ना उसे थोड़ा और घटाना है। पर भाई अगर तुम्हारे साथ ऐसा होता है कि भाई तुमने ड्रैग किया एकदम मस्त, पर भाई तुमने ड्रैग तो एकदम बढ़िया से किया, पर भाई तुम्हारा जो हेडशॉट ना वो भाई हेडशॉट नहीं लगा जब बल्कि बॉडी शॉट लग गया, तो भाई अगर तुम्हारे साथ ऐसा होता है कि तुम हेडशॉट मारने जा रहे हो और बॉडी शॉट लग रहा है, तो भाई तुम्हें अपना जनरल को फुल रखना है एकदम फुल, ओके। तो भाई अभी तक मैंने सारी की सारी सेंसिटिविटी सेटिंग्स को डीपली एक्सप्लेन कर दिया। पर भाई अगर तुम ये भी चाहते हो कि मैं तुम्हें बताऊँ कि अगर तुम रेडमी का फ़ोन इस्तेमाल करते हो या फिर सैमसंग या फिर रियलमी या फिर कोई भी ब्रांड का फ़ोन इस्तेमाल करते हो, तो भाई उसके अकॉर्डिंग तुम्हें किस टाइप की सेंसिटिविटी में छेड़छाड़ करनी चाहिए, तो भाई अगर तुम ये भी जानना चाहते हो तो भाई जानने से पहले जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर आओ और लाइक कर दो और एक बढ़िया सा कमेंट भी कर दो। तो भाई अगर तुमने कर दिया तो भाई बहुत बढ़िया बात है। तो भाई अब मैं तुम्हें बता देता हूँ कि जो भी अभी मैं क्लिप दिखाने वाला हूँ ये भाई बहुत सारे प्रो प्लेयर्स की स्क्रीनशॉट है, वो भी भाई सेंसिटिविटी की। भाई मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो कि भाई बढ़िया प्लेयर है, तो भाई वो अपने अपने फ़ोन में इसी के अकॉर्डिंग अपनी सेंसिटिविटी सेटिंग को रखते हैं। तो भाई तुम भी इसे एक बार देख लो, ये सारे के सारे प्रो प्लेयर्स की ही सेंसिटिविटी सेटिंग है अपने अपने फ़ोन के अकॉर्डिंग। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me. तो भाई जो तुमने अभी देखी ना सेंसिटिविटी सेटिंग, इसमें से भाई कुछ मेरे फ्रेंड्स और भाई कुछ बहुत बड़ी ई स्पोर्ट्स के प्लेयर की सेटिंग्स की स्क्रीनशॉट थे। तो भाई अब मैं तुम्हें बताता हूँ सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट बात भाई, क्योंकि ये बात तुम जब तक नहीं जानोगे ना तब तक भाई तुम कितना भी सेटिंग वेटिंग कितना भी छेड़छाड़ कर लो भाई फ़ायदा होने ही नहीं वाला है। तो भाई जो बात सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है वो होती है भाई तुम्हारा डिवाइस का परफॉर्मेंस, क्योंकि भाई अगर तुम्हारा डिवाइस ही बढ़िया नहीं है, लैगी डिवाइस बिल्कुल भी बढ़िया नहीं है, तो भाई कितना ही तुम करोगे भाई तुम बढ़िया से नहीं खेल पाओगे। तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम इसे कैसे फिक्स कर सकते हो। तो देखो भाई अगर तुम्हारे मोबाइल का स्टोरेज एकदम फुल रहता है, मतलब भाई मानो तुम्हारा 64GB रोम और 6GB रैम है, तो भाई अगर तुम्हारा एकदम फुल है, सब कुछ एकदम भरा हुआ है, तब भाई तुम्हारा गेम बढ़िया से नहीं चलेगा। तो भाई तुम्हें करना है क्या है कि भाई तुम्हें अपना रोम और रैम दोनों में से भाई कुछ कुछ डिलीट करना है भाई। जैसे कि अगर तुम्हारा 64GB रोम है तो भाई कम से कम तुम्हें 6GB को फ्री रखना ही पड़ेगा, तभी तुम्हारा गेम क्लियरली स्मूथली वर्क करेगा। और भाई साथ ही साथ भाई तुम्हें अपना रैम को भी भाई थोड़ा सा भाई खाली रखना है 1-2GB, और भाई उसके साथ ही साथ तुम्हें अपना गेम बूस्टर का भी इस्तेमाल करना जिससे कि भाई गेम एकदम बढ़िया तरीके से चलता है। तो बस गाइस मेरी आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर भाई तुम्हें वीडियो पसंद आया तो भाई तुम्हें तो पता ही कि तुम्हें क्या करना है, सब्सक्राइब लाइक सब कुछ कर देना है तुम्हें। और भाई मैं एक बात और बताता हूँ, अगर तुम और ऐसी बढ़िया बढ़िया वीडियोज़ को इन फ्यूचर में देखना चाहते हो तो भाई सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को तुम्हें ऑन करना है। पर अगर तुम ऐसी ऐसी बढ़िया बढ़िया वीडियोज़ अभी ही देखना चाहते हो तो भाई जाके मेरे चैनल पर चेकआउट करो, मैंने और बढ़िया बढ़िया वीडियोज़ बना के रखी है। तो बस गाइस सो सी यू सून, बाय बाय, सी यू सून इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स।